कि जिस तरह के प्रदीम उसे डराता था, प्रदीम तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके वालिद साहब जकी को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को भी वो खूब मारते हैं। उसके वालिद साहब उसके घर पे एक नोट ही भेज देते हैं, उसे बताते हैं अगर प्रदीम मेरे बेटे को मारने वाला कोर भी नहीं है, आपका बेटा है, तो आपके बेटे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी अम्मी उसे बताते हैं कि ये तो आपने क्या कर लिया जकी बेटा, हमें इस तरह का करना चाहिए कि हमें इस यहाँ पर इस सब लोगों को छोड़ कर कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ पर जकी अपने रिश्तेदारों वालों से माफी मांगे सब लोगों को, लेकिन यहाँ पर आदमी को जब पता चल जाता है कि जकी उससे बड़ा दूर जाने वाला है, तो यहाँ पर अजमिया उसके घर में आ जाती हैं, उससे अम्मी के पैरों में पड़ जाती हैं, उसे बताती हैं कि मुझे जकी से दूर ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा। उसकी अम्मी यहाँ पर प्रदीम जो कि यहाँ पर उसके साथ ही था, लेकिन यहाँ पर वो जकी को उसे बताते हैं कि अजमिया को घर से निकाल दो, अगर अजमिया मेरी नज़रों में आ ही जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो उससे यही कहो कि मेरी नज़रों से बहुत दूर चले जाए। यहाँ पर अजमिया उसे माफ़ी मांगने के बदले यहाँ पर उसके पैरों में गिरने के बाद यहाँ पर जकी उसे घर से बाहर निकाल ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को क्या पता कि अजमिया उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, और धोखे के बदले में तो धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था, और उसे मोहब्बत का गलत फ़ायदा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जकी ने यह उस अजमिया से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत का गलत फ़ायदा यहाँ पर अजमिया ने उठा ली, क्योंकि अजमिया को तो यही लगता था कि जब लोग मेरे पीछे पड़ते हैं तो खास ना खास मुझ में कुछ बात होगी, लेकिन इसी बात को लेकर यहाँ पर जकी उससे चला जाता है, तो अजमिया को और कुछ नहीं लगता, वो अपने प्रायश्चित के के लिए अपने आप को मार ही देते हैं। जब उसे मारने के बाद यहाँ पर जकी को पता चल जाता है तो हॉस्पिटल भागते भागते आ जाता है, उसे बताते हैं कि आपने बहुत गलत की हुई है, मुझे क्या लगता था कि आप इस तरह का करोगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करें। प्रदीम यहाँ पर आ ही जाता है अजमिया को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर जकी यहाँ पर प्रदीम को मार ही देते हैं। जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर उसकी वालिद साहब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा ही जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पर जकी का, क्योंकि यहाँ पर जकी ने तो यहाँ पर यह सब कुछ अजमिया के लिए किया था, लेकिन अजमिया ने यहाँ पर जकी को धोखा ही दिया हुआ है, और धोखे के बदले में यहाँ पर जकी उसे बताते हैं कि आप मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ इस तरह का करोगी, तो मैं जिंदगी भर आपके खिलाफ आपके सामने मैं कड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन आज आखिरकार आपने मेरे मोहब्बत को टुकरा ही दी है। आखिरकार मुझ में इस तरह क्या कमी थी क्योंकि वहां पर आपने प्रदीम के साथ इतना बड़ा ड्रामा किया हुआ है, और मुझे क्या पता कि आपने प्रदीम के साथ एक रात नहीं दो बार वो गलत वीडियो तो मैंने देख ही ली है, मुझे तो आपसे और अब मोहब्बत के लब से नफरत होने लगती है, आखिरकार मैंने आपसे मोहब्बत की तो की क्यों। अजमिया यहाँ पर जकी को माफ़ी मांगते हैं, उसे बताते हैं कि जकी इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आप मुझे माफ़ कर लो, और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं की तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आपने मेरी बहुत मदद की और इसी मदद की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि मैं अपनी बात अपने वालिद साहब और अपने घर वालों को खुद कह सकती हूँ, अगर आप मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मैं वो दोबारा अजमिया बन जाऊँगी जिस तरह के प्रदीम उसे डराता था, प्रदीम तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके वालिद साहब जकी को मारने के लिए गुंडे भेज ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को भी वो खूब मारते हैं। उसके वालिद साहब उसके घर पे एक नोट ही भेज देते हैं, उसे बताते हैं अगर प्रदीम मेरे बेटे को मारने वाला कोर भी नहीं है, आपका बेटा है, तो आपके बेटे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी अम्मी उसे बताते हैं कि ये तो आपने क्या कर लिया जकी बेटा, हमें इस तरह का करना चाहिए कि हमें इस यहाँ पर इस सब लोगों को छोड़ कर कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ पर जकी अपने रिश्तेदारों वालों से माफी मांगे सब लोगों को, लेकिन यहाँ पर आदमी को जब पता चल जाता है कि जकी उससे बड़ा दूर जाने वाला है, तो यहाँ पर अजमिया उसके घर में आ जाती हैं, उससे अम्मी के पैरों में पड़ जाती हैं, उसे बताती हैं कि मुझे जकी से दूर ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा। उसकी अम्मी यहाँ पर प्रदीम जो कि यहाँ पर उसके साथ ही था, लेकिन यहाँ पर वो जकी को उसे बताते हैं कि अजमिया को घर से निकाल दो, अगर अजमिया मेरी नज़रों में आ ही जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो उससे यही कहो कि मेरी नज़रों से बहुत दूर चले जाए। यहाँ पर अजमिया उसे माफ़ी मांगने के बदले यहाँ पर उसके पैरों में गिरने के बाद यहाँ पर जकी उसे घर से बाहर निकाल ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को क्या पता कि अजमिया उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, और धोखे के बदले में तो धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था, और उसे मोहब्बत का गलत फ़ायदा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जकी ने यह उस अजमिया से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत का गलत फ़ायदा यहाँ पर अजमिया ने उठा ली, क्योंकि अजमिया को तो यही लगता था कि जब लोग मेरे पीछे पड़ते हैं तो खास ना खास मुझ में कुछ बात होगी, लेकिन इसी बात को लेकर यहाँ पर जकी उससे चला जाता है, तो अजमिया को और कुछ नहीं लगता, वो अपने प्रायश्चित के लिए
के लिए अपने आप को मार ही देते हैं। जब उसे मारने के बाद यहाँ पर जकी को पता चल जाता है तो हॉस्पिटल भागते भागते आ जाता है। उसे बताते हैं कि आपने बहुत गलत की हुई है, मुझे क्या लगता था कि आप इस तरह का करोगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें। प्रदीम यहाँ पर आ ही जाता है अजमिया को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर जक्की यहाँ पर प्रदीम को मार ही देते हैं। जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर उसकी वालिद साहब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा ही जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पर जक्की का, क्योंकि यहाँ पर जक्की ने तो यहाँ पर यह सब कुछ अजमिया के लिए किया था, लेकिन अजमिया ने यहाँ पर जक्की को धोखा ही दिया हुआ है। और धोखे के बदले में यहाँ पर जक्की उसे बताते हैं कि आप मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ इस तरह का करोगी, तो मैं जिंदगी भर आपके खिलाफ आपके सामने मैं कड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन आज आखिरकार आपने मेरे मोहब्बत को टुकरा ही दी है। आखिरकार मुझ में इस तरह क्या कमी थी क्योंकि वहां पर आपने प्रदीम के साथ इतना बड़ा ड्रामा किया हुआ है, और मुझे क्या पता कि आपने प्रदीम के साथ एक रात नहीं दो बार वो गलत वीडियो तो मैंने देख ही ली है, मुझे तो आपसे और अब मोहब्बत के लब से नफरत होने लगती है, आखिरकार मैंने आपसे मोहब्बत की तो की क्यों। अजमिया यहाँ पर जक्की को माफ़ी मांगते हैं, उसे बताते हैं कि जक्की इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आप मुझे माफ़ कर लो, और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं की तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आपने मेरी बहुत मदद की और इसी मदद की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि मैं अपनी बात अपने वालिद साहब और अपने घर वालों को खुद कह सकती हूँ। अगर आप मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मैं वो दोबारा अजमिया बन जाऊँगी जिस तरह के प्रदीम उसे डराता था। प्रदीम तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके वालिद साहब जक्की को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जक्की को भी वो खूब मारते हैं। उसके वालिद साहब उसके घर पे एक नोट ही भेज देते हैं, उसे बताते हैं अगर प्रदीम मेरे बेटे को मारने वाला कोर भी नहीं है आपका बेटा है तो आपके बेटे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके अम्मी उसे बताते हैं कि ये तो आपने क्या कर लिया जक्की बेटा, हमें इस तरह का करना चाहिए कि हमें इस यहाँ पर इस सब लोगों को छोड़ कर कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ पर जक्की अपने रिश्तेदारों वालों से माफ़ी मांगे सब लोगों को, लेकिन यहाँ पर आदमी को जब पता चल जाता है कि जक्की उससे बड़ा दूर जाने वाला है तो यहाँ पर अजमिया उसके घर में आ जाती हैं, उससे अम्मी के पैरों में पड़ जाती हैं, उसे बताती हैं कि मुझे जक्की से दूर ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा। उसके अम्मी यहाँ पर प्रदीम जो कि यहाँ पर उसके साथ ही था, लेकिन यहाँ पर वो जक्की को उसे बताते हैं कि अजमिया को घर से निकाल दो, अगर अजमिया मेरी नज़रों में आ ही जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो उससे यही कहो कि मेरी नज़रों से बहुत दूर चले जाए। यहाँ पर अजमिया उसे माफ़ी मांगने के बदले यहाँ पर उसके पैरों में गिरने के बाद यहाँ पर जक्की उसे घर से बाहर निकाल ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जक्की को क्या पता कि अजमिया उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, और धोखे के बदले में तो धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उससे सच्ची मोहब्बत करता था और उसे मोहब्बत का गलत फ़ायदा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जक्की ने यह उस अजमिया से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत का गलत फ़ायदा यहाँ पर अजमिया ने उठा ली, क्योंकि अजमिया को तो यही लगता था कि जब लोग मेरे पीछे पड़ते हैं तो खास ना खास मुझ में कुछ बात होगी, लेकिन इस बात को लेकर यहाँ पर जक्की उससे चला जाता है तो अजमिया को और कुछ नहीं लगता, वो अपने प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को मार ही देते हैं। जब उसे मारने के बाद यहाँ पर जक्की को पता चल जाता है तो हॉस्पिटल भागते भागते आ जाता है, उसे बताते हैं कि आपने बहुत गलत की हुई है, मुझे क्या लगता था कि आप इस तरह का करोगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें। प्रदीम यहाँ पर आ ही जाता है अजमिया को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर जक्की यहाँ पर प्रदीम को मार ही देते हैं। जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर उसकी वालिद साहब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा ही जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पर जक्की का, क्योंकि यहाँ पर जक्की ने तो यहाँ पर यह सब कुछ अजमिया के लिए किया था, लेकिन अजमिया ने यहाँ पर जक्की को धोखा ही दिया हुआ है, और धोखे के बदले में यहाँ पर जक्की उसे बताते हैं कि आप मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ इस तरह का करोगी, तो मैं जिंदगी भर आपके खिलाफ आपके सामने मैं कड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन आज आखिरकार आपने मेरे मोहब्बत को टुकरा ही दी है। आखिरकार मुझ में इस तरह क्या कमी थी क्योंकि वहां पर आपने प्रदीम के साथ इतना बड़ा ड्रामा किया हुआ है, और मुझे क्या पता कि आपने प्रदीम के साथ एक रात नहीं दो बार वो गलत वीडियो तो मैंने देख ही ली है, मुझे तो आपसे और अब मोहब्बत के लब से नफरत होने लगती है, आखिरकार मैंने आपसे मोहब्बत की तो की क्यों।
अजिया यहाँ पर जकी को माफ़ी मांगते हैं। उसे बताते हैं कि जकी इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आप मुझे माफ़ कर लो, और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं की तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आपने मेरी बहुत मदद की और इसी मदद की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि मैं अपनी बात अपने वालिद साहब और अपने घर वालों को खुद कह सकती हूँ। अगर आप मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मैं वो दोबारा अजमिया बन जाऊँगी जिस तरह के परदीन मुझे डराता था। परदीन तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके वालिद साहब जकी को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को भी वो खूब मारते हैं। उसके वालिद साहब उसके घर पर एक नोट ही भेज देते हैं, उसे बताते हैं अगर परदीन मेरे बेटे को मारने वाला कोर भी नहीं है, आपका बेटा है, तो आपके बेटे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी अम्मी उसे बताते हैं कि ये तो आपने क्या कर लिया जकी बेटा, हमें इस तरह का करना चाहिए कि हमें इस यहाँ पर इस सब लोगों को छोड़ कर कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ पर जकी अपने रिश्तेदारों वालों से माफ़ी मांगे सब लोगों को, लेकिन यहाँ पर आदमी को जब पता चल जाता है कि जकी उससे बड़ा दूर जाने वाला है, तो यहाँ पर अजमिया उसके घर में आ जाती हैं, उससे अम्मी के पैरों में पड़ जाती हैं, उसे बताती हैं कि मुझे जकी से दूर ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा। उसकी अम्मी यहाँ पर परदीन जो कि यहाँ पर उसके साथ ही था, लेकिन यहाँ पर वो जकी को उसे बताते हैं कि अजमिया को घर से निकाल दो, अगर अजमिया मेरी नज़रों में आ ही जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो उससे यही कहो कि मेरी नज़रों से बहुत दूर चली जाए। यहाँ पर अजमिया उसे माफ़ी मांगने के बदले यहाँ पर उसके पैरों में गिरने के बाद यहाँ पर जकी उसे घर से बाहर निकाल ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को क्या पता कि अजमिया उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, और धोखे के बदले में तो धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उससे सच्ची मोहब्बत करता था और उसे मोहब्बत का गलत फायदा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जकी ने यह उस अजमिया से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत का गलत फ़ायदा यहाँ पर अजमिया ने उठा ली, क्योंकि अजमिया को तो यही लगता था कि जब लोग मेरे पीछे पड़ते हैं तो खास ना खास मुझ में कुछ बात होगी, लेकिन इसी बात को लेकर यहाँ पर जकी उससे चला जाता है, तो अजमिया को और कुछ नहीं लगता, वो अपने प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को मार ही देते हैं। जब उसे मारने के बाद यहाँ पर जकी को पता चल जाता है तो हॉस्पिटल भागते भागते आ जाता है, उसे बताते हैं कि आपने बहुत गलत की हुई है, मुझे क्या लगता था कि आप इस तरह का करोगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करें। परदीन यहाँ पर आ ही जाता है अजमिया को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर जकी यहाँ पर परदीन को मार ही देते हैं। जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर उसकी वालिद साहब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा ही जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पर जकी का, क्योंकि यहाँ पर जकी ने तो यहाँ पर यह सब कुछ अजमिया के लिए किया था, लेकिन अजमिया ने यहाँ पर जकी को धोखा ही दिया हुआ है, और धोखे के बदले में यहाँ पर जकी उसे बताते हैं कि आप मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ इस तरह का करोगी, तो मैं जिंदगी भर आपके खिलाफ आपके सामने में कड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन आज आखिरकार आपने मेरे मोहब्बत को टुकरा ही दी है। आखिरकार मुझ में इस तरह क्या कमी थी, क्योंकि वहां पर आपने परदीन के साथ इतना बड़ा ड्रामा किया हुआ है, और मुझे क्या पता कि आपने परदीन के साथ एक रात नहीं दो बार वो गलत वीडियो तो मैंने देख ही ली है, मुझे तो आपसे और अब मोहब्बत के लफ्ज़ से नफरत होने लगती है, आखिरकार मैंने आपसे मोहब्बत की तो की क्यों। अजमिया यहाँ पर जकी को माफ़ी मांगते हैं, उसे बताते हैं कि जकी इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आप मुझे माफ़ कर लो, और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं की तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आपने मेरी बहुत मदद की और इसी मदद की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि मैं अपनी बात अपने वालिद साहब और अपने घर वालों को खुद कह सकती हूँ। अगर आप मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मैं वो दोबारा अजमिया बन जाऊँगी जिस तरह के परदीन मुझे डराता था। परदीन तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके वालिद साहब जकी को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को भी वो खूब मारते हैं। उसके वालिद साहब उसके घर पे एक नोट ही भेज देते हैं, उसे बताते हैं अगर परदीन मेरे बेटे को मारने वाला कोर भी नहीं है, आपका बेटा है, तो आपके बेटे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी अम्मी उसे बताते हैं कि ये तो आपने क्या कर लिया जकी बेटा, हमें इस तरह का करना चाहिए कि हमें इस यहाँ पर इस सब लोगों को छोड़ कर कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ पर जकी अपने रिश्तेदारों वालों से माफ़ी मांगे सब लोगों को, लेकिन यहाँ पर आदमी को जब पता चल जाता है कि जकी उससे बड़ा दूर जाने वाला है, तो यहाँ पर अजमिया उसके घर में आ जाती हैं, उससे अम्मी के पैरों में पड़ जाती हैं, उसे बताती हैं कि मुझे जकी से दूर ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा। उसकी अम्मी यहाँ पर परदीन जो कि यहाँ पर उसके साथ ही था, लेकिन यहाँ पर वो जकी को उसे बताते हैं कि अजमिया को घर से निकाल दो, अगर अजमिया मेरी नज़रों में आ ही जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो उससे यही कहो कि मेरी नज़रों से बहुत दूर चली जाए। यहाँ पर अजमिया उसे माफ़ी मांगने के बदले यहाँ पर उसके पैरों में गिरने के बाद यहाँ पर
जकी उसे घर से बाहर निकाल ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को क्या पता कि अजमेर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, और धोखे के बदले में तो धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था, और उसे मोहब्बत का गलत फ़ायदा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जकी ने यह उस अजमेर से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत का गलत फ़ायदा यहाँ पर अजमेर ने उठा ली, क्योंकि अजमेर को तो यही लगता था कि जब लोग मेरे पीछे पड़ते हैं तो खास ना खास मुझ में कुछ बात होगी, लेकिन इसी बात को लेकर यहाँ पर जकी उससे चला जाता है, तो अजमेर को और कुछ नहीं लगता, वो अपने प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को मार ही देते हैं। जब उसे मारने के बाद यहाँ पर जकी को पता चल जाता है तो हॉस्पिटल भागते भागते आ जाता है, उसे बताते हैं कि आपने बहुत गलत की हुई है, मुझे क्या लगता था कि आप इस तरह का करोगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करें। प्रदीम यहाँ पर आ ही जाता है अजमिया को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर जक्की यहाँ पर प्रदीम को मार ही देते हैं। जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर उसकी वालिद साहब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा ही जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पर जक्की का, क्योंकि यहाँ पर जक्की ने तो यहाँ पर यह सब कुछ अजमिया के लिए किया था, लेकिन अजमिया ने यहाँ पर जक्की को धोखा ही दिया हुआ है, और धोखे के बदले में यहाँ पर जक्की उसे बताते हैं कि आप मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ इस तरह का करोगी, तो मैं जिंदगी भर आपके खिलाफ आपके सामने मैं कड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन आज आखिरकार आपने मेरे मोहब्बत को टुकरा ही दी है, आखिरकार मुझ में इस तरह क्या कमी थी क्योंकि वहां पर आपने प्रदीम के साथ इतना बड़ा ड्रामा किया हुआ है, और मुझे क्या पता कि आपने प्रदीम के साथ एक रात नहीं दो बार वो गलत वीडियो तो मैंने देख ही ली है, मुझे तो आपसे और अब मोहब्बत के लब से नफरत होने लगती है, आखिरकार मैंने आपसे मोहब्बत की तो की क्यों। अजमिया यहाँ पर जकी को माफ़ी मांगते हैं, उसे बताते हैं कि जकी इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आप मुझे माफ़ कर लो, और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं की तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आपने मेरी बहुत मदद की और इसी मदद की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि मैं अपनी बात अपने वालिद साहब और अपने घर वालों को खुद कह सकती हूँ, अगर आप मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मैं वो दोबारा अजमिया बन जाऊँगी जिस तरह के प्रदीम उसे डराता था। प्रदीम तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके वालिद साहब जकी को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को भी वो खूब मारते हैं, उसके वालिद साहब उसके घर पे एक नोट ही भेज देते हैं, उसे बताते हैं अगर प्रदीम मेरे बेटे को मारने वाला कोर भी नहीं है, आपका बेटा है तो आपके बेटे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके अम्मी उसे बताते हैं कि ये तो आपने क्या कर लिया जकी बेटा, हमें इस तरह का करना चाहिए कि हमें इस यहाँ पर इस सब लोगों को छोड़ कर कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ पर जकी अपने रिश्तेदारों वालों से माफ़ी मांगे सब लोगों को, लेकिन यहाँ पर आदमी को जब पता चल जाता है कि जकी उससे बड़ा दूर जाने वाला है, तो यहाँ पर अजमिया उसके घर में आ जाती हैं, उससे अम्मी के पैरों में पड़ जाती हैं, उसे बताती हैं कि मुझे जकी से दूर ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा। उसके अम्मी यहाँ पर प्रदीम जो कि यहाँ पर उसके साथ ही था, लेकिन यहाँ पर वो जकी को उसे बताते हैं कि अजमिया को घर से निकाल दो, अगर अजमिया मेरी नज़रों में आ ही जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो उससे यही कहो कि मेरी नज़रों से बहुत दूर चले जाए। यहाँ पर अजमिया उसे माफ़ी मांगने के बदले यहाँ पर उसके पैरों में गिरने के बाद यहाँ पर जकी उसे घर से बाहर निकाल ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को क्या पता कि अजमेर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, और धोखे के बदले में तो धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था, और उसे मोहब्बत का गलत फ़ायदा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जकी ने यह उस अजमेर से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत का गलत फ़ायदा यहाँ पर अजमेर ने उठा ली, क्योंकि अजमेर को तो यही लगता था कि जब लोग मेरे पीछे पड़ते हैं तो खास ना खास मुझ में कुछ बात होगी, लेकिन इसी बात को लेकर यहाँ पर जकी उससे चला जाता है, तो अजमेर को और कुछ नहीं लगता, वो अपने प्रायश्चित करने के लिए आपने आपको मार ही देते हैं। जब उसे मारने के बाद यहाँ पर जकी को पता चल जाता है तो हॉस्पिटल भागते भागते आ जाता है, उसे बताते हैं कि आपने बहुत गलत की हुई है, मुझे क्या लगता था कि आप इस तरह का करोगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करें। प्रदीम यहाँ पर आ ही जाता है अजमिया को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर जकी यहाँ पर प्रदीम को मार ही देते हैं। जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर उसकी वालिद साहब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा ही जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पर जकी का, क्योंकि यहाँ पर जकी ने तो यहाँ पर यह सब कुछ अजमिया के लिए किया था, लेकिन अजमिया ने यहाँ पर जकी को धोखा ही दिया हुआ है, और धोखे के बदले में यहाँ पर जकी उसे बताते हैं कि आप मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ इस तरह का करोगी, तो मैं जिंदगी भर आपके खिलाफ आपके सामने मैं कड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन आज आखिरकार आपने मेरे मोहब्बत को टुकरा ही दी है, आखिरकार मुझ में इस तरह क्या कमी थी क्योंकि वहां पर आपने प्रदीम के साथ इतना बड़ा ड्रामा किया हुआ है, और मुझे क्या पता कि आपने प्रदीम के साथ एक रात नहीं दो बार
वो गलत वीडियो तो मैंने देख ही ली है, मुझे तो आपसे और अब मोहब्बत के लब से नफरत होने लगती हैं। आखिरकार मैंने आपसे मोहब्बत की तो की क्यों? अजय यहाँ पर जकी को माफ़ी मांगते हैं, उसे बताते हैं कि जकी इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आप मुझे माफ़ कर लो, और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं की तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आपने मेरी बहुत मदद की और इसी मदद की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि मैं अपनी बात अपने वालिद साहब और अपने घर वालों को खुद कह सकती हूँ। अगर आप मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मैं वो दोबारा अजमिया बन जाऊँगी जिस तरह के परदीन मुझे डराता था। परदीन तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके वालिद साहब जकी को मारने के लिए गुंडे भेज ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को भी वो खूब मारते हैं। उसके वालिद साहब उसके घर पे एक नोट ही भेज देते हैं, उसे बताते हैं अगर परदीम मेरे बेटे को मारने वाला कोर भी नहीं है, आपका बेटा है, तो आपके बेटे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके अम्मी उसे बताते हैं कि ये तो आपने क्या कर लिया जकी बेटा, हमें इस तरह का करना चाहिए कि हमें इस यहाँ पर इस सब लोगों को छोड़ कर कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ पर जकी अपने रिश्तेदारों वालों से माफ़ी मांगे सब लोगों को, लेकिन यहाँ पर आदमी को जब पता चल जाता है कि जकी उससे बड़ा दूर जाने वाला है, तो यहाँ पर अजमिया उसके घर में आ जाती हैं, उससे अम्मी के पैरों में पड़ जाती हैं, उसे बताती हैं कि मुझे जकी से दूर ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा। उसके अम्मी यहाँ पर परदीम जो कि यहाँ पर उसके साथ ही था, लेकिन यहाँ पर वो जकी को उसे बताते हैं कि अजमिया को घर से निकाल दो, अगर अजमिया मेरी नज़रों में आ ही जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो उससे यही कहो कि मेरी नज़रों से बहुत दूर चली जाए। यहाँ पर अजमिया उसे माफ़ी मांगने के बदले यहाँ पर उसके पैरों में गिरने के बाद यहाँ पर जकी उसे घर से बाहर निकाल ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को क्या पता कि अजमिया उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, और धोखे के बदले में तो धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उससे मुझ सच्ची मोहब्बत करता था, और उसे मोहब्बत का गलत फ़ायदा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जकी ने यह उस अजमिया से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत का गलत फ़ायदा यहाँ पर अजमिया ने उठा ली, क्योंकि अजमिया को तो यही लगता था कि जब लोग मेरे पीछे पड़ते हैं तो खास ना खास मुझ में कुछ बात होगी, लेकिन इसी बात को लेकर यहाँ पर जकी उससे चला जाता है, तो अजमिया को और कुछ नहीं लगता, वो अपने प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को मार ही देते हैं। जब उसे मारने के बाद यहाँ पर जकी को पता चल जाता है तो हॉस्पिटल भागते भागते आ जाता है, उसे बताते हैं कि आपने बहुत गलत की हुई है, मुझे क्या लगता था कि आप इस तरह का करोगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें। परदीम यहाँ पर आ ही जाता है अजमिया को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर जकी यहाँ पर परदीम को मार ही देते हैं। जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर उसकी वालिद साहब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा ही जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पर जकी का, क्योंकि यहाँ पर जकी ने तो यहाँ पर यह सब कुछ अजमिया के लिए किया था, लेकिन अजमिया ने यहाँ पर जकी को धोखा ही दिया हुआ है, और धोखे के बदले में यहाँ पर जकी उसे बताते हैं कि आप मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ इस तरह का करोगी, तो मैं जिंदगी भर आपके खिलाफ आपके सामने मैं कड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन आज आखिरकार आपने मेरे मोहब्बत को टुकरा ही दी है। आखिरकार मुझ में इस तरह क्या कमी थी क्योंकि वहां पर आपने परदीम के साथ इतना बड़ा ड्रामा किया हुआ है, और मुझे क्या पता कि आपने परदीम के साथ एक रात नहीं दो बार वो गलत वीडियो तो मैंने देख ही ली है, मुझे तो आपसे और अब मोहब्बत के लब से नफरत होने लगती हैं। आखिरकार मैंने आपसे मोहब्बत की तो की क्यों? अजमिया यहाँ पर जकी को माफ़ी मांगते हैं, उसे बताते हैं कि जकी इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आप मुझे माफ़ कर लो, और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं की तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आपने मेरी बहुत मदद की और इसी मदद की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि मैं अपनी बात अपने वालिद साहब और अपने घर वालों को खुद कह सकती हूँ। अगर आप मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मैं वो दोबारा अजमिया बन जाऊँगी जिस तरह के परदीन मुझे डराता था। परदीन तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके वालिद साहब जकी को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को भी वो खूब मारते हैं। उसके वालिद साहब उसके घर पे एक नोट ही भेज देते हैं, उसे बताते हैं अगर परदीम मेरे बेटे को मारने वाला कोर भी नहीं है, आपका बेटा है, तो आपके बेटे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके अम्मी उसे बताते हैं कि ये तो आपने क्या कर लिया जकी बेटा, हमें इस तरह का करना चाहिए कि हमें इस यहाँ पर इस सब लोगों को छोड़ कर कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ पर जकी अपने रिश्तेदारों वालों से माफ़ी मांगे सब लोगों को, लेकिन यहाँ पर आदमी को जब पता चल जाता है कि जकी उससे बड़ा दूर जाने वाला है, तो यहाँ पर अजमिया उसके घर में आ जाती हैं, उससे अम्मी के पैरों में पड़ जाती हैं, उसे बताती हैं कि मुझे जकी से दूर ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा। उसके अम्मी यहाँ पर परदीम जो कि यहाँ पर उसके साथ ही था, लेकिन यहाँ पर वो जकी को उसे बताते हैं कि अजमिया को घर से निकाल दो, अगर अजमिया मेरी नज़रों में आ ही जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो उससे यही कहो कि मेरी नज़रों से बहुत दूर चली जाए। यहाँ पर अजमिया उसे माफ़ी मांगने के बदले यहाँ पर उसके पैरों में गिरने के बाद यहाँ पर
जकी उसे घर से बाहर निकाल ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को क्या पता कि अजमेर उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। और धोखे के बदले में तो धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उससे सच्ची मोहब्बत करता था और उसे मोहब्बत का गलत फायदा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जकी ने यह उस अजमेर से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत का गलत फायदा यहाँ पर अजमेर ने उठा ली, क्योंकि अजमेर को तो यही लगता था कि जब लोग मेरे पीछे पड़ते हैं तो खास ना खास मुझ में कुछ बात होगी। लेकिन इस बात को लेकर यहाँ पर जकी उससे चला जाता है तो अजमेर को और कुछ नहीं लगता, वो अपने प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को मार ही देते हैं। जब उसे मारने के बाद यहाँ पर जकी को पता चल जाता है तो हॉस्पिटल भागते भागते आ जाता है। उसे बताते हैं कि आपने बहुत गलत की हुई है, मुझे क्या लगता था कि आप इस तरह का करोगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करें। परदीम यहाँ पर आ ही जाता है अजमिया को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर जक्की यहाँ पर परदीम को मार ही देते हैं। जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर उसकी वालिद साहब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा ही जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पर जकी का, क्योंकि यहाँ पर जकी ने तो यहाँ पर यह सब कुछ अजमिया के लिए किया था, लेकिन अजमिया ने यहाँ पर जकी को धोखा ही दिया हुआ है। और धोखे के बदले में यहाँ पर जकी उसे बताते हैं कि आप मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ इस तरह का करोगी, तो मैं जिंदगी भर आपके खिलाफ आपके सामने मैं कड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन आज आखिरकार आपने मेरे मोहब्बत को टुकरा ही दी है। आखिरकार मुझ में इस तरह क्या कमी थी क्योंकि वहां पर आपने परदीम के साथ इतना बड़ा ड्रामा किया हुआ है, और मुझे क्या पता कि आपने परदीम के साथ एक रात नहीं दो बार वो गलत वीडियो तो मैंने देख ही ली है, मुझे तो आपसे और अब मोहब्बत के लफ्ज़ से नफरत होने लगती हैं, आखिरकार मैंने आपसे मोहब्बत की तो की क्यों। अजमिया यहाँ पर जकी को माफ़ी मांगते हैं, उसे बताते हैं कि जकी इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आप मुझे माफ़ कर लो, और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं की तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आपने मेरी बहुत मदद की और इसी मदद की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि मैं अपनी बात अपने वालिद साहब और अपने घर वालों को खुद कह सकती हूँ। अगर आप मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मैं वो दोबारा अजमिया बन जाऊँगी जिस तरह के परदीम उसे डराता था। परदीम तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके वालिद साहब जकी को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को भी वो खूब मारते हैं। उसके वालिद साहब उसके घर पे एक नोट ही भेज देते हैं, उसे बताते हैं अगर परदीम मेरे बेटे को मारने वाला कोर भी नहीं है, आपका बेटा है, तो आपके बेटे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके अम्मी उसे बताते हैं कि ये तो आपने क्या कर लिया जकी बेटा, हमें इस तरह का करना चाहिए कि हमें इस यहाँ पर इस सब लोगों को छोड़ कर कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ पर जकी अपने रिश्तेदारों वालों से माफी मांगे सब लोगों को, लेकिन यहाँ पर आदमी को जब पता चल जाता है कि जकी उससे बड़ा दूर जाने वाला है तो यहाँ पर अजमिया उसके घर में आ जाती हैं, उससे अम्मी के पैरों में पड़ जाती हैं, उसे बताती हैं कि मुझे जकी से दूर ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा। उसकी अम्मी यहाँ पर परदीम जो कि यहाँ पर उसके साथ ही था, लेकिन यहाँ पर वो जकी को उसे बताते हैं कि अजमिया को घर से निकाल दो, अगर अजमिया मेरी नज़रों में आ ही जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो उससे यही कहो कि मेरे नज़रों से बहुत दूर चली जाए। यहाँ पर अजमिया उसे माफ़ी मांगने के बदले यहाँ पर उसके पैरों में गिरने के बाद यहाँ पर जकी उसे घर से बाहर निकाल ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को क्या पता कि अजमिया उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, और धोखे के बदले में तो धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उससे सच्ची मोहब्बत करता था और उसे मोहब्बत का गलत फायदा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जकी ने यह उस अजमिया से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत का गलत फायदा यहाँ पर अजमिया ने उठा ली, क्योंकि अजमिया को तो यही लगता था कि जब लोग मेरे पीछे पड़ते हैं तो खास ना खास मुझ में कुछ बात होगी। लेकिन इस बात को लेकर यहाँ पर जकी उससे चला जाता है तो अजमिया को और कुछ नहीं लगता, वो अपने प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को मार ही देते हैं। जब उसे मारने के बाद यहाँ पर जकी को पता चल जाता है तो हॉस्पिटल भागते भागते आ जाता है, उसे बताते हैं कि आपने बहुत गलत की हुई है, मुझे क्या लगता था कि आप इस तरह का करोगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करें। परदीम यहाँ पर आ ही जाता है अजमिया को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर जकी यहाँ पर परदीम को मार ही देते हैं। जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर उसकी वालिद साहब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा ही जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पर जकी का, क्योंकि यहाँ पर जकी ने तो यहाँ पर यह सब कुछ अजमिया के लिए किया था, लेकिन अजमिया ने यहाँ पर जकी को धोखा ही दिया हुआ है। और धोखे के बदले में यहाँ पर जकी उसे बताते हैं कि आप मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ इस तरह का करोगी, तो मैं जिंदगी भर आपके खिलाफ आपके सामने मैं कड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन आज आखिरकार आपने मेरे मोहब्बत को टुकरा ही दी है। आखिरकार मुझ में इस तरह क्या कमी थी क्योंकि वहां पर आपने परदीम के साथ इतना बड़ा ड्रामा किया हुआ है, और मुझे क्या पता कि आपने परदीम के साथ एक रात नहीं दो बार
वो गलत वीडियो तो मैंने देख ही ली है, मुझे तो आपसे और अब मोहब्बत के लफ्ज़ से नफरत होने लगती है। आखिरकार मैंने आपसे मोहब्बत की तो की क्यों? अजिया यहाँ पर जकी को माफ़ी मांगते हैं, उसे बताते हैं कि जकी इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आप मुझे माफ़ कर लो, और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं की तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आपने मेरी बहुत मदद की और इसी मदद की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि मैं अपनी बात अपने वालिद साहब और अपने घर वालों को खुद कह सकती हूँ। अगर आप मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मैं वो दोबारा अजिया बन जाऊँगी जिस तरह के परदीन मुझे डराता था। परदीन तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके वालिद साहब जकी को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को भी वो खूब मारते हैं। उसके वालिद साहब उसके घर पे एक नोट ही भेज देते हैं, उसे बताते हैं अगर परदीम मेरे बेटे को मारने वाला कोर भी नहीं है, आपका बेटा है, तो आपके बेटे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी अम्मी उसे बताते हैं कि ये तो आपने क्या कर लिया जकी बेटा, हमें इस तरह का करना चाहिए कि हमें इस यहाँ पर इस सब लोगों को छोड़ कर कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ पर जकी अपने रिश्तेदारों वालों से माफ़ी मांगे सब लोगों को, लेकिन यहाँ पर आदमी को जब पता चल जाता है कि जकी उससे बड़ा दूर जाने वाला है, तो यहाँ पर अजमिया उसके घर में आ जाती हैं, उससे अम्मी के पैरों में पड़ जाती हैं, उसे बताती हैं कि मुझे जकी से दूर ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा। उसकी अम्मी यहाँ पर परदीम जो कि यहाँ पर उसके साथ ही था, लेकिन यहाँ पर वो जकी को उसे बताते हैं कि अजमिया को घर से निकाल दो, अगर अजमिया मेरी नज़रों में आ ही जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो उससे यही कहो कि मेरी नज़रों से बहुत दूर चली जाए। यहाँ पर अजमिया उसे माफ़ी मांगने के बदले यहाँ पर उसके पैरों में गिरने के बाद यहाँ पर जकी उसे घर से बाहर निकाल ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को क्या पता कि अजमिया उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, और धोखे के बदले में तो धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उससे सच्ची मोहब्बत करता था और उसे मोहब्बत का गलत फ़ायदा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जकी ने यह उस अजमिया से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत का गलत फ़ायदा यहाँ पर अजमिया ने उठा ली, क्योंकि अजमिया को तो यही लगता था कि जब लोग मेरे पीछे पड़ते हैं तो खास ना खास मुझ में कुछ बात होगी, लेकिन इसी बात को लेकर यहाँ पर जकी उससे चला जाता है, तो अजमिया को और कुछ नहीं लगता, वो अपने प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को मार ही देते हैं। जब उसे मारने के बाद यहाँ पर जकी को पता चल जाता है तो हॉस्पिटल भागते भागते आ जाता है, उसे बताते हैं कि आपने बहुत गलत की हुई है, मुझे क्या लगता था कि आप इस तरह का करोगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करें। परदीम यहाँ पर आ ही जाता है अजमिया को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर जकी यहाँ पर परदीम को मार ही देते हैं। जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर उसके वालिद साहब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा ही जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाता है यहाँ पर जकी का, क्योंकि यहाँ पर जकी ने तो यहाँ पर यह सब कुछ अजमिया के लिए किया था, लेकिन अजमिया ने यहाँ पर जकी को धोखा ही दिया हुआ है, और धोखे के बदले में यहाँ पर जकी उसे बताते हैं कि आप मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ इस तरह का करोगी, तो मैं जिंदगी भर आपके खिलाफ आपके सामने मैं कड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन आज आखिरकार आपने मेरे मोहब्बत को टुकरा ही दी है। आखिरकार मुझ में इस तरह क्या कमी थी क्योंकि वहां पर आपने परदीम के साथ इतना बड़ा ड्रामा किया हुआ है, और मुझे क्या पता कि आपने परदीम के साथ एक रात नहीं दो बार वो गलत वीडियो तो मैंने देख ही ली है, मुझे तो आपसे और अब मोहब्बत के लफ्ज़ से नफरत होने लगती है। आखिरकार मैंने आपसे मोहब्बत की तो की क्यों? अजिया यहाँ पर जकी को माफ़ी मांगते हैं, उसे बताते हैं कि जकी इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आप मुझे माफ़ कर लो, और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं की तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आपने मेरी बहुत मदद की और इसी मदद की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि मैं अपनी बात अपने वालिद साहब और अपने घर वालों को खुद कह सकती हूँ। अगर आप मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मैं वो दोबारा अजिया बन जाऊँगी जिस तरह के परदीम उसे डराता था। परदीम तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके वालिद साहब जकी को मारने के कुछ गुंडे भेज ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को भी वो खूब मारते हैं। उसके वालिद साहब उसके घर पे एक नोट ही भेज देते हैं, उसे बताते हैं अगर परदीम मेरे बेटे को मारने वाला कोर भी नहीं है, आपका बेटा है, तो आपके बेटे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी अम्मी उसे बताते हैं कि ये तो आपने क्या कर लिया जकी बेटा, हमें इस तरह का करना चाहिए कि हमें इस यहाँ पर इस सब लोगों को छोड़ कर कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ पर जकी अपने रिश्तेदारों वालों से माफ़ी मांगे सब लोगों को, लेकिन यहाँ पर आदमी को जब पता चल जाता है कि जकी उससे बड़ा दूर जाने वाला है, तो यहाँ पर अजमिया उसके घर में आ जाती हैं, उससे अम्मी के पैरों में पड़ जाती हैं, उसे बताती हैं कि मुझे जकी से दूर ना ही किया करो तो अच्छा ही होगा। उसकी अम्मी यहाँ पर परदीम जो कि यहाँ पर उसके साथ ही था, लेकिन यहाँ पर वो जकी को उसे बताते हैं कि अजमिया को घर से निकाल दो, अगर अजमिया मेरी नज़रों में आ ही जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो उससे यही कहो कि मेरी नज़रों से बहुत दूर चली जाए। यहाँ पर अजमिया उसे माफ़ी मांगने के बदले यहाँ पर उसके पैरों में गिरने के बाद यहाँ पर
जकी उसे घर से बाहर निकाल ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जकी को क्या पता कि आजमिया उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, और धोखे के बदले में तो धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था और उसे मोहब्बत का गलत फ़ायदा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर जकी ने यह उस आजमिया से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत का गलत फ़ायदा यहाँ पर आजमिया ने उठा ली, क्योंकि आजमिया को तो यही लगता था कि जब लोग मेरे पीछे पड़ते हैं तो खास ना खास मुझ में कुछ बात होगी, लेकिन इसी बात को लेकर यहाँ पर जकी उससे चला जाता है। तो आजमिया को और कुछ नहीं लगता, वो अपने प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को मार ही देते हैं। जब उसे मारने के बाद यहाँ पर जकी को पता चल जाता है तो हॉस्पिटल भागते भागते आ जाता है, उसे बताते हैं कि आपने बहुत गलत की हुई है, मुझे क्या लगता था कि आप इस तरह का करोगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर